खबर आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहुबली नेता आनंद मोहन के पैतृक गांव जाने वाले हैं, और जब से ये खबर आई है तब से बिहार की राजनीति भी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आरजेडी कोटे से एमएलसी सुनील सिंह ने एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति राजद कोटे के सांसद मनोज झा को जीप पकड़ के आसन पे पटकने की बातें करता है, उसके पैतृक गांव जाने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री। वहीं दूसरी तरफ अब सुनील सिंह के पोस्ट पर जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने अब इस ट्वीट पर जोरदार हमला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजद सुप्रीमो लालू यादव की करीबी, राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह खुश नहीं लग रहे हैं। वे लगातार सोशल मीडिया पर नीतीश की चुटकी लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिख रहे हैं। हालांकि पोस्ट में वो सीएम नीतीश कुमार का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन निशाना उन्हीं पर वो साध रहे हैं। कुछ दिनों से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद के दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर सवालिए निशाने खड़े किए हैं। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर नीतीश कुमार सुनील सिंह से नाराज चल रहे हैं। एक बार फिर पोस्ट कर सुनील सिंह ने सीएम नीतीश का बिना नाम लिए ही चुटकी उन्होंने जरूर ले ली। जदयू ने भी करारा हमला करना शुरू कर दिया। सुनील सिंह ने अपने ताजा पोस्ट में सीएम नीतीश कुमार पर फिर हमला करते हुए लिखा है कि महागठबंधन के उत्कृष्ट अव्वल एवं वर्ष 2023 में संसद रत्न के पुरस्कृत राज्यसभा के माननीय सांसद का गोईठा के राख से जीभ खींचने वाले भाई साहब के पैतृक गांव में उनके मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य में जो जनाब जाने वाले हैं। सुनील सिंह ने आगे लिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है बूझो तो जाने, कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद, कभी नरम नरम तो कभी सख्त सख्त। बता दें कि बिहार की सियासत में चर्चाएं काफी जोर से चल रही हैं। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन जदयू का दामन थाम सकते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके छोटे बेटे अंशुमन राज जल्द ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आनंद मोहन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजदीकियों की चर्चाएं तेज हैं। कुछ दिन पहले ठाकुर वाले विवाद पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने अपनी पार्टी के नेता मनोज झा के बयान के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। इस विवाद पर आनंद मोहन ने भी कहा था कि मैं होता तो जुबान खींच लेता, और उसके कुछ दिन बाद आनंद मोहन मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम नीतीश से मुलाकात करते हैं। सुनील सिंह के पोस्ट पर अब जदयू के अमूमन खामोश रहती है, लेकिन नीतीश कुमार के अलबत्ता तीखा टिप्पणी जरूर दिखाई देता है। लेकिन अब जदयू ने भी सुनील सिंह पर करारा हमला करना शुरू कर दिया। सुनील सिंह के पोस्ट पर पलटवार करते हुए जदयू ने भी उन्हीं के हथियारों से उन पर वार किया है। जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने सुनील सिंह को उनकी हैसियत बता दी। निखिल मंडल ने सोशल मीडिया पर सुनील सिंह को अगलगौना बता दिया। मंडल ने सुनील सिंह का नाम बिना लिए विस्कुमान टावर का फोटो लगाते हुए कहा कि जितना बड़ा टावर है उससे भी बड़ा यहाँ एक अगलगौना रहता है बूझो तो जाने। जहाँ एक तरफ ये खबर आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के पैतृक गांव जाने वाले हैं, और अब इस बात को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने पोस्ट किया, और अब उस पोस्ट को जवाब देते हुए इस पोस्ट पर हमलावर होते हुए जदयू के महासचिव जो हैं अब उन्होंने पोस्ट करते हुए जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।